कुमुद की जिंदगी के बदले और मैं उसे हमेशा दूर रहूंगा। दूर ही करना होता तो भगवान उसे क्यों लौटाते सरस? आप कुमुद कैसी? तुझे याद कर रही है, चल उसे मिल ले। चल बेटा। डॉक्टर साहब, कुमुद खतरे से बाहर है ना? यस मिस्टर व्यास। रिकवरी में कितना टाइम लग जाएगा? विदिन अ वीक। मुझे मेडिसिन के बारे में पूछना था आपसे। छोटी उम्र में उसे अपनी कसम से बांध के रखा था तूने सरस्वती, अब वो समझ ही नहीं पा रहा कि कसम से बड़े रिश्ते भी होते हैं और रिश्तों को निभाने के लिए कभी कभी कसम भी तोड़नी पड़ती है। जिंदगी जीने के बजाय कसमों को जी रहा है तेरा बेटा सरस्वती। उसे मुक्ति दिलाते मोटी बेन, ये क्या हो गया हमारे बच्चे के साथ? ये सोचिए कि क्या हो सकता था। जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। कुछ हाथ से हमें रिश्तों के सही माने समझा जाते हैं। सच्ची बात है, डॉक्टर तो आज छोड़ ही चुके थे। ये तो हमारा प्यार और हमारी प्रार्थना ही है जो कुमुद को। आप इसका ध्यान रखना, मैं अभी आती हूँ। उसे ढूंढ रही है ना? पर वो आ नहीं रहा। क्यों? पर तू चाहती है कि वो आए। जब वो आए तो कान पकड़ना उसके। जब से अपनी मां को खोया है अपनों को खोने से डरता है वो। उसकी मां के बाद उसकी मां को दी हुई कसम के सहारे जी रहा है वो। और आज भी तू ना सही, तुझसे किए हुए वादे के सहारे जीने चला है वो। बड़ी मां, ये हादसा अच्छा कोई बुरा संकेत तो नहीं? मौत से लड़कर आई है तू, इससे अच्छा संकेत और क्या हो सकता है बेटा? ये तू भी समझ और उसे भी समझा दे कि भगवान आखिर क्या चाहता है तुम दोनों से। मैं उसे फोन लगा दे। मेरा फोन नहीं उठा रहा है। दीदी कैसा लगा आपको ये कमरा? आपको घर जैसा लगे ना, खास इसलिए हमने इसे ऐसे सजाया। बहुत अच्छा सजा है। दीदी कुछ और लाऊं आपके लिए? यश बड़ी काकी और कलिका को अंदर भेज दे। ठीक है माँ, मैं अभी आती। इस हादसे ने एक नहीं शायद और भी अंधेरे दूर कर दिए हैं। क्या? हाँ, उस एक्सीडेंट का निशाना मैं था तो कुमुद ने बीच में आके मुझे बचा लिया। मेरी जान लेने की कोशिश सिर्फ एक ही इंसान कर सकता है। प्रभा भैया, मैंने भी पुलिस से यही कहा किसके पीछे प्रमाद का हाथ हो सकता है। पुलिस आई थी, तूने मुझे बताया क्यों नहीं? भैया मैं आपको बताने आया था,
लेकिन आप कुमुजी के पास चले गए। भैया आप ये सब छोड़िए, मैं संभालूंगा, आप जाइए, कुमुजी का ध्यान रखिए। देखो अभी पुलिस से मिलना जरूरी है, तो घर वालों के साथ रहे, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे फोन करना, मैं आता हूँ। अब भैया ये भैया कुमुजी को छोड़ पुलिस के पास, मैं समझा नहीं। बड़ी भाभी आपकी क्लास लेने जितनी भी जान नहीं है आपकी मास्टरनी में, तो भले ही मेरी क्लास ले ले कुमुद, लेकिन फिर कभी इस तरह चुप मत हो जाना। खोटी बात ना बोलू, तूने तो हम सबकी जान निकाल दी थी। हाँ कुमुदी, आपने तो हम सबको डरा दिया था। बड़ी काकी, बड़ी माँ ने मुझे बताया कि कलिका ने खुद आकर मुझे खून दिया है। हमें अपनाने के लिए उसने अपना पहला कदम बढ़ाया, तो हमें भी तो एक कदम बढ़ाना चाहिए। अगर भगवान हमें दूसरा मौका दे सकते हैं तो हम क्यों नहीं। मैं ये नहीं कह रही कि आप उसे अपने दिल में जगह दे दीजिए, पर फिलहाल उसे अपने घर में तो जगह दे दीजिए। आप लोगों का पेशेंट से मिलने का टाइम खत्म हो गया है, मुझे पेशेंट को दवाई देनी है। कलिका, मैं तुम्हें दूसरा मौका दे रही हूँ, पर तुम पर विश्वास नहीं कर रही। उम्मीद करती हूँ कि ये तुम्हारी कोई जान ले। कोई जान नहीं है, आप बस उम्मीद रखें, इस भरोसे को कायम करने की जिम्मेदारी मेरी है, मैं करूंगी। आप आराम कीजिए। आराम से आराम करो कुमार, मैं तब तक सारा काम संभाल लूंगी। जल्द से जल्द उस आदमी को ढूंढना होगा जिसने ये किया। सरास! ये वही गाड़ी है जिससे एक्सीडेंट हुआ था। गाड़ी के नंबर से हम गाड़ी के मालिक को पता लगा लेंगे। उसकी जरूरत नहीं है, मैं जानता हूं कि ये किसकी गाड़ी है। किसकी? प्रमाद धर्म अधिकारी। कुसुम सरस नहीं आया अब तक, तुझे कुछ बताकर गया है क्या? नहीं, मेरी कोई बात नहीं हुई इनसे। मुझसे नाराज है क्या? मुझे कैसे पता होगा, कहा ना मेरी कोई बात नहीं हुई है उनसे। मैं आपका खाना लेकर आती हूँ। भाई से क्या हुआ है, ऐसी कटी कटी सी बातें क्यों कर रही है?
कुछ नहीं, तेरी ऐसी हालत देखकर डर गई है वो। और मैंने सरस के बारे में पूछा तो ऐसे तो खुद ही पूछ लेना। ये ले, फोन करो सर।